बैट में बहुत पावर है और बूस्ट को पूरा भरा हुआ एनर्जी के साथ है इन्होंने। और कमेंट्री बॉक्स के आगे जितने आदमी खड़े हैं बैठ जाएं, आगे से हटे आप लोग। शाहपुर अपनी बॉलिंग संभालेगी, आज फर्स्ट इनिंग है। बॉलर भेजे शाहपुर ग्राउंड में, देखिए देखो कुत्तों का भी अलाउड हो गया है आज। हमारे वॉलंटियर भाई थोड़ा कुत्ते को हटा दे, पहले कुत्ते को बाहर करा देते हैं, अब तो किसी को काट लेगा तो 14 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। माधुरी दीक्षित का आगमन इस स्टेडियम में, शाहपुर अपनी पहली ओवर लेते लेके आए हैं। और हमारे पैगम्बरपुर के बैट्समैन नीतीश बॉलर अपना नाम बता दे, और ये क्या पहली बॉल में गुड बाय, नितिन को गुड बाय कहना पड़ा। अपनी बैटिंग आज वो कुछ उठा नहीं पाई है मैच में। बॉलर अपना नाम बता दे, बॉलर अपना नाम बता दे, टॉफिक भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एज तो हो गया पर रिटायर नहीं हुए अभी, जोरों में दर्द नहीं है मतलब। और जमशेद आए हैं पैगम्बरपुर से, बहुत अच्छा शॉट जमशेद ने दिखाया है। टॉफिक भाई अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, पहले बॉल में उन्होंने एक विकेट चटकाया है और अपनी तीसरी बॉल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग दिखा रहे हैं तौसीफ भाई अपनी। शाहपुर बहुत संभली हुई टीम लग रही है, सीनियरों से भरी हुई, फुल एक्सपीरियंस के साथ खेल रहे हैं शाहपुर, उन्होंने है जज्बा अभी भी खेलने का। और ये क्या, हम भी कम नहीं किसी से बता रहे हैं, पैगम्बरपुर की टीम बहुत अच्छी शॉट लगाई चौकों के साथ। अरशद की बैट में दम है, दम है जमशेद की। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है अभी तक तो जमशेद को, बहुत प्यारी सी रन आउट ये सहना पड़ेगा पैगम्बरपुर को, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, पर कोई बात नहीं। शाहपुर की बहुत अच्छी फील्डिंग का देखा मिला मुआयना इधर, बैट्समैन अपना नाम बता दे, साकिबुल हसन तो नहीं है ना। चलो आज साकिब दिखाएंगे अपने बैट से कुछ पावर। और टॉफिक भाई तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दो विकेट ले चुके अपने टीम के लिए, बहुत संभल के खेल रही है शाहपुर। पैगम्बरपुर को अब संभल के खेलना पड़ेगा, बहुत अच्छा चौका साकिब की बैट से। और ये ओवर की समाप्ति 12 रन दो विकेट के नुकसान पे, बहुत अच्छी बॉलिंग दिखाई है टॉफिक भाई ने। और नए बॉलर आए हैं, बॉलर का नाम है सरफराज और उन्हें बाबा के नाम से मशहूर है वो, उन्हों बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बहुत एक्सपीरियंस भरा हुआ है उन्होंने, उन्हें बाबा के नाम से सब कोई जानता है। और ये बहुत अच्छी शॉट लगाई बाबा को, बाबा भी बोल रहे हैं कुछ तो है लौंडे में। जमशेद पूरे संभल के खेल रहे, बहुत अच्छी बैटिंग दिखाई है अभी तक इन्होंने। जमशेद को अपने टीम के लिए आराम से खेलना होगा। और बाबा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बाबा का ये तीसरा बॉल बहुत शानदार, हमारे बहुत तगड़े हैं, बहुत सही संभाल रहे हैं टीम को अभी तक। बाबा बहुत सही बॉलिंग दे रहे हैं और ये नो बॉल बाबा का, बाबा बहुत एग्रेसिव कर रहे हैं आज, कुछ तो दिखाएंगे।
बाबा नो बॉल दिए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सही वाइड, लेकिन ये बाबा का, बाबा को चेक करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रन ज्यादा दे रहे हैं। सीनियर प्लेयर से ऐसा गलती सही नहीं लगता है बाबा। बहुत शानदार चौका जमशेद के बैट से, बहुत सही डायरेक्शन वाली दिखा रहे हैं बॉल को, अपने बैट के मुंह को दिखा रहे हैं कि देख ले बेटा ये है अपन, अपने बैट में पावर रखते हैं। और ये 22 रन पैगंबरपुर का, दूसरी ओवर चल रही है, एक विकेट के नुकसान पे, दो विकेट के नुकसान पे। बाबा अभी बॉलिंग कर रहे हैं, बाबा लेंगे विकेट लग रहा है जमशेद का, पर बाबा का वाइड, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं बाबा, चेक करना पड़ेगा। जमशेद अपने बैटिंग लाइन दिखा रहे हैं, बहुत प्यारी सी शॉट खेली जमशेद ने चौका के लिए। बाबा को समझ नहीं आ रहा है, लड़का बहुत तगड़ा है। डीजे आशीष मिक्स, बाबा बहुत अच्छी बॉलिंग तो दिखा रहे थे स्टार्टिंग में, दो बॉल बहुत सही किए थे, पर जमशेद भाई उनसे बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर टैलेंट बहुत ज्यादा है उन्होंने। वो अपने बैट को खाली दिखा रहे हैं और चौका लेके जा रहे हैं, पूरे शाहपुर की टीम को हिला के रख दिया है जमशेद ने अकेले, सब पूरा फील्डिंग चेंज हो गया है ये, मतलब इतने तगड़े जमशेद हैं, समझ जाओ पैगंबरपुर के है पावर जमशेद। ये बहुत ओवर के नुकसान पे, साकिब भाई आ गए स्ट्राइक पे, तौफीक भाई बॉलिंग लेके आए हैं, फिर पहली ओवर बहुत सही की थी, दो विकेट लिए हैं, अपने टीम को संभाल के रखे थे 12 रन लेके, फिर आए तौकीब भाई पूरे सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अपने टीम को संभाल रहे हैं, सीनियर प्लेयर हैं। और ये बैट्समैन देखे क्या करते हैं, पर बैट्समैन के पांव पे डायरेक्ट लगा है बॉल, मतलब बॉलर में दम है। बहुत सही बॉलिंग दिखा रहे तौकीब भाई, अपनी साकिब भी अपनी बैटिंग कुछ दिखानी पड़ेगी उन्हें, नब तो पैगंबरपुर बहुत पीछे चल रही है अभी रन रेट के देखें तो। तौकीब भाई बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग दिखाई उन्होंने, अपने कलाई की बहुत सही यूज कर रहे हैं वो, इन्हें एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं किया जाता है, एक्सपीरियंस है। देख रहे बॉल को पूरा घुमा रहे हैं, बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा है बॉलर क्या है। और ये अपील तो बहुत सही किए थे, पर नॉट आउट, हमारे बहुत तगड़े एक्सपीरियंस अंपायर भी रखे हैं हमने, और ये बॉलर का जवाब नहीं है। बॉलिंग बहुत सही कर रहे हैं तौकीब भाई, लग रहा है कि अरे आराम से भाई खेल आराम से। और ये बोल, क्लीन बोल, पूरा ओवर खिला के चलते भेज दिया बैट्समैन को, साकिब को समझ नहीं आया। तौकीर भाई का मेडन ओवर विद विकेट, समझ जाइए कितना एक्सपीरियंस है इसमें, अपनी बॉलिंग पूरी सही दिखाई है, मेडन ओवर लिए विद एक विकेट के साथ। और बॉलर अपना नाम बता दे, हुसैन, नए बॉलर आए हैं, बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा है अजमत को क्या हो रहा है।
और हुसैन बहुत सेट कर रहे हैं। अजमत को क्लीन बोल्ड कर दिया, ये क्या? अजमत को समझ नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। और ये हुसैन भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं, आए हैं सूट बूट में, शर्ट पे जर्सी पहन के बता रहे हैं हम हैं। बैट्समैन अपना नाम बता दे, बिट्टू पैगंबरपुर से अब आए हैं बिट्टू बैटिंग करने। बिट्टू और गुड्डू आज कुछ करेंगे लग रहा है, जोड़ीदारी करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप दिखानी पड़ेगी। बहुत सही है क्या, बिट्टू आए गए, उसने ये क्या किया, इन्हें हैट्रिक चांस मिला है। हुसैन बहुत सही बॉलिंग, और ये क्या, बिट्टू आए और गए। पांच विकेट के नुकसान। बैट्समैन अपना नाम बता दे, बैट्समैन नाम आरिफ। आरिफ आए हैं बैटिंग करने, बॉलिंग में इन्होंने कुछ कमाल दिखाई थी सेमीफाइनल में, कुछ कुछ याद है। और हुसैन बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, और रन हैट्रिक ले गए हुसैन ने, ये क्या क्लीन बोल आरिफ को। हुसैन तो कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, और पैगंबरपुर का रन हुआ है 28 रन 6 विकेट के नुकसान पे। हुसैन हैट्रिक ले चुके हैं, बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, पहली ओवर है और वो बहुत कमाल दिखा रहे हैं, उन्होंने हैट्रिक लेके अपने ओवर भी कर रहे हैं। बहुत सही शाहपुर संभली हुई टीम, सीनियर टीम ऐसे ही नहीं है, बहुत सही खेल रही है। और बैट्समैन आप अपना नाम बता दें, रहमान। बैट्समैन है रहमान, हुसैन के सामने हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं बहुत तगड़ी, रहमान के पाव पे। और ये ओवर के साथ हुसैन ने 3 विकेट लिए, मैडन ओवर जवाब नहीं है बंदे का। तौकीर अपनी दूसरी ओवर लेके आए हैं, डेड बॉल तौकीर की। डेड बॉल, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, सब कोई मत बोले। शाहपुर थोड़ी संभल के खेलनी होगी, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। बहुत अच्छी बॉलिंग दिखा रही है तौकीर अपने। तौकीर गुड्डू को बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, गुड्डू समझ नहीं पा रहे, 3 बॉल खेल चुके हैं तौकीर के, पर कुछ बैट से तो दिखाए नहीं इन्होंने अभी तक, पर ये ट्राई बहुत सही किए थे बाबा के हाथ में। लेकिन तौकीर बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, और ये गुड्डू को बहुत सही ओवर खिला रहे हैं वो अपने। गुड्डू को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तौकीर बहुत सही बॉलिंग, और ये 2 रन आउट होते होते बचे, कीपर बहुत तगड़ा है उधर। और तौकीर अपनी ओवर कर रहे हैं, गुड्डू ये ओवर में क्लीन बोल्ड गुड्डू को कर दिया तौकीर ने। गुड्डू को समझ नहीं आया बॉल कैसे कटा है। लास्ट विकेट
पैगंबर पूजी और रन अभी खाली 28 हुई है, 28 पर गाड़ी बंद है, गाड़ी को चालू करना पड़ेगा। रन अभी कुछ लगे नहीं है। रहमान बैटिंग पे है, अभी नए बैट्समैन अपना नाम बता दे। हुसैन अपनी दूसरी ओवर लेके आए हैं, हुसैन अपनी दूसरी ओवर कर रहे हैं। देखा कितना बार अभी तो 9-10 आदमी बिना इन्फॉर्मेशन के गर्डर से लोग देख लोगे। मैं गिट्टी गिरा गया एक बार साल। और हुसैन अपनी दूसरी ओवर रहमान को करेंगे। बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, रहमान को समझ नहीं आ रहा है। और पैगंबरपुर 28 रन खाली बनाई है। शाहपुर बहुत सही बॉलिंग कर रही है, बहुत सही हुसैन बॉलिंग डाल रहे हैं अपने रहमान को। रहमान कुछ करना पड़ेगा। बहुत सही शॉट और ये चौका रहमान का बैट से। हुसैन को दिए हैं 4 रन, 28 से कुछ बड़ी है रन अभी 32 रन। हुसैन बहुत सही बॉलिंग कर रहे थे अभी तक तो। हाथ मत तोड़ लीजिएगा कीपर, आराम से, ठंड का टाइम है, थोड़ा सा भी लगता है तो बहुत दर्द करता है। हुसैन बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं वैसे रहमान को, रहमान भी उन्हें सलामी दे रहे हैं बहुत सही दिखा के बैठ के। वाइट बॉल हुसैन के द्वारा, कम से कम 50। और ये रहमान को चलते बना दिया हुसैन ने, और ये ऑल आउट। पैगंबरपुर की टीम 34 पर जीत है, 34 पे टारगेट मिला है सर शाहपुर को। और